Welcome to Silan International School online classes. Hello, bichho. How are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th class, chapter 20, triangles. Beta, aaj ka hamara topic hai exercise 75 sums. ठीक है? बेटा कल हमने इसके 7 questions तक discuss कर लिया था. ठीक है? Question number 3rd to 7. Okay. आज हम question number 8 start करने जा रहे हैं. देखिए. सबसे पहले हम इसके statement पढ़ते हैं. क्या कह रखा है इसमें? One of the two equal angle of an isosceles triangle is 64 degrees. आपको पता है बेटा ये word आया है यहाँ पर isosceles triangle. ये क्या होती है isosceles triangle? मैंने आपको definitions के time बताया था कि isosceles triangle के अंदर बेटा दो angles आपस में equal होते हैं. ठीक है? In isosceles triangle two angles जो होते हैं वो आपस में equal होते हैं. ठीक है? अगर जैसे ये 64 डिग्री अगर यहाँ पर दे रखा है तो दूसरा भी 64 डिग्री होगा. ठीक है? आइसोसेलस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. मींस एंगल बी एंगल सी के इक्वल है. ठीक है? ये होती है हमारे पास आइसोसेलस ट्रायंगल. तो यहाँ पर हमारे पास टू इक्वल एंगल्स दे रखे हैं. वो कितना दे रखा है? 64 डिग्री. सबसे पहले हम यहाँ पर यही करते हैं. The sum of two equal angles of triangles. Equal to 64 degree plus 64 degree means 128 degree. ठीक है? ये क्या हुआ है? यहाँ पर देखिए. Isosceles triangle के अंदर दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है? अब एक एंगल है 64 डिग्री का, दूसरा एंगल है 64 डिग्री का. हमने क्या करवा दिया? दोनों का सम करवा दिया. दो एंगल दे रखे हैं ना हमारे पास, एक एंगल ए है एंगल बी है, दोनों को सम करवा दिया 128 डिग्री का. ठीक है? और होते कितना है? 180 डिग्री के इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स of triangle is equal to 180 degrees. यहाँ पर बेटा हमारे पास दो angles थे. ठीक है? First भी 64 है, second भी 64 है. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बेटा हमारे पास isosceles triangle है. isosceles triangle क्या होती है? जिसके अंदर दो angles equal होते हैं. ठीक है? यहाँ पर इसने 64 दे रखा है, मीन्स एक एंगल 64 डिग्री है, दूसरा भी 64 डिग्री है. हम इन दोनों का क्या करवा देंगे? फर्स्टली सम करवा देंगे. द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, जो दो एंगल्स आपस में इक्वल है ना ऑफ ट्रायंगल, तो हमने उनका सम करवा दिया. कितना आ गया हमारे पास? 128 डिग्री. ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि आपके पास अगर दो एंगल्स दे रखे हैं और आपको तीसरा फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें जो थर्ड एंगल है ना वो फाइंड आउट करना है, तीसरा एंगल निकालना है. तो हम क्या करते हैं? हम दो का सम करवा देते हैं और तीसरा निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं. सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे. अब हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, थर्ड एंगल. तो वो कैसे निकलेगा बेटा? 180 डिग्री में से जो इन दोनों का सम आया उनको माइनस करवा देंगे. ठीक है? 52 डिग्री. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. ठीक है? हैंस द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर, हैंस द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर. कौन कौन से एंगल्स आए हमारे पास? एक 64 डिग्री है, दूसरा भी 64 डिग्री है, एंड थर्ड कितना है हमारे पास? 52 डिग्री. ठीक है? मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को. देखिए बेटा,
आइसोसेलस ट्रायंगल की एक एंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 64 डिग्री। हमें पता है, वी नो दैट आइसोसेलस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल मींस उसके दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मींस यहां अगर इसने 64 दे रखा है तो दो एंगल्स इक्वल है, मींस ये भी 64 डिग्री है और ये भी 64 डिग्री, और हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो एंगल दे रखे होते हैं तो हम उन दोनों का सबसे पहले सम करवाते हैं। करवा दिया सम, द सम ऑफ, यही तो लिख रखा है, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सम करवा दिया दोनों का, कितना आया 128। ठीक है, अब हमें ये पता है प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये लाइन तो हम कल भी यूज कर रहे थे। क्लियर, अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें थर्ड एंगल निकालना है। हमारे पास दो एंगल ऑलरेडी है, उनका दोनों का हमने सम पहले से करवा दिया, हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम इस 180 में से ज्यादा में से इसको माइनस करवा देंगे कम। ठीक है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 180 में से 128 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 52 आ गया, मींस हमारा थर्ड एंगल आ गया। हेंस द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर, अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स है, पहला भी 64 है, दूसरा भी 64 है, थर्ड क्या आया हमारे पास अभी तो निकाला है 52। बेटा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था बोर्ड पे, इस टाइप के मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे दूंगी पीडीएफ में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, और आगे के सम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।